आप कभी भी अपनी स्वप्न की बातें नहीं करती? तो उन्होंने कहा, गोपी, स्वप्न देखने के लिए क्या चाहिए? सोना चाहिए। और जब से मेरा गोविंद वृंदावन छोड़कर के मथुरा गया है, तब से मुझे नींद तो आई ही नहीं। जब नींद आई ही नहीं तो स्वप्न में कैसे देखूं? गोपी ने उद्धव का परिचय कराया। उद्धव का परिचय कराया कि ये उद्धव है, गोविंद का संदेश लेकर के आए हैं, गोविंद का उपदेश लेकर आए हैं। तो पूछे कि क्या उपदेश लाए हैं? गोविंद आने वाले हैं। उपदेश क्या है? कि गोविंद आने वाले हैं। बोले, रे भैया, क्या तुम्हारा गोविंद केवल मथुरा में है? क्या तुम्हारा गोविंद केवल मथुरा में है? अभी तुम बोल, क्योंकि परमात्मा तो हर जगह पे। यही कि वो आने वाले हैं। अरे वो गए कब हैं? ओ गए कब? हमारे पास तो हमेशा ही है। भक्त से भगवान कभी अलग नहीं होते। भक्त से भगवान कभी अलग नहीं होते। उधर पूछ लिया कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आज की जगत में प्रमाण मांगते हैं, कहां है भगवान? आप अपनी चश्मा बदल लो, भगवान जरूर दिखाई दे। चश्मा बदल लो। जब तक आप भक्ति की चश्मा नहीं लगाएंगे, तब तक ईश्वर दिखाई नहीं देंगे। जिसे जगत दिखता, उसे जगदीश नहीं दिखाई देता। सही बात। अब उधर का तो सारा ज्ञान जो था वो बुदड़ी बन करके उड़ गया। और वहीं पे राधे बोली, तुम गोविंद को देखना चाहते हो? तो वो हां में बात आई और गोविंद बगल में दिखाई दे दिए हैं। बड़ा आश्चर्य होता है इसको। और उसके बाद में उधम कहता है कि मैं गोविंद तो क्या, मैं गोपियां तो क्या, मैं उनका रज के भी दर्शन करने लायक व्यक्ति नहीं। रज का भी आसा महो चरण दूषा महूत वृंदावन की रूपी स्वजन मार्या पंथम हिता वेद मुकुंद तद्वेषु ते रुनूर्मिल्या। खान लिखे हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, बस अमृत को कुल गांव की ग्वाल, जो पशु हो तो कहाँ वस मेरो, चरणित नंद की धेनु मझारन, वाहन हो तो वही गिर को जो, छरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो अश को, मिल कालिंदी पूर्ण की दारन। अब आए थे उधव जी दो तीन घंटे के लिए और रह गए पूरे 6 महीने तक।
और आज जाने को तैयार हुए। तो गोपियां संदेश भेजती है, गोपियां संदेश भेजती है और उसे कविता के रूप में सुनो प्यारे हो तुम मथुरा को जाना, सुनो प्यारे हो तुम मथुरा को जाना, सुनो प्यारे हो तुम मथुरा को जाना, कन्हैया को मेरा कन्हैया तो मेरा, कन्हैया तो मेरा।
कन्हैया को मेरा, कन्हैया को मेरा संदेश सुनाना। भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय गोपियां संदेशा भिजवाई है और राधा रानी आशीर्वाद दी है। सुगम भवतु मार्गस्ते कल्याणमस्तु संततम्, ज्ञानम लभो हरे स्थानात्। कृष्णस्य सुप्रियो भव, कृष्णस्य सुप्रियो भव। आशीर्वाद दी राधा रानी कि तुम भगवान श्री कृष्ण का परम प्रेम का पात्र बनी रहो। अब ये पहुंचे, अब ये अधुनाथ के जगत पे गोविंद को गोपीनाथ कहते हैं और उड़ाना देते हुए कहते हैं वृंदावन के सुख छाड़ के कहां बसे हो आई। प्रेम सिंधु हरि जान के उधरे उधरे पखरे पाँ। एक वृंदावन का सुख को छोड़कर गोविंद कहां आ गए हो, चलो आप। गोविंद कहते अरे गया था उधर उपदेश दे रहे, आज तो मुझे उपदेश दे रहा। मुझे प्रेम की भूमि है, ओ प्रेम की भूमि है गोविंद चलो। और एक एक पात्र से जिससे वो मिले उनको उन्होंने वर्णन किया। गोविंद के नेत्रों से आंसू आ गए। सुनत सखा के वैर आए दो, दिवस प्रेम आवेश रही ना ही सुधी को। रोम रोम प्रति गोपिकावे रही सावर रात। कल्प सुरो सावरो भज बनीता भीपा। एक एक रूप में गोविंद ने गोपिकाओं का दर्शन करा दिया और उद्धव जी का जो ज्ञान था आज वो भक्तिमय हो गया। समय काफी हो गई है, विवाह भी कराना है, उसके बाद अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजना है। हस्तिनापुर में अक्रूर जी धृतराष्ट्र को उपदेश दिए हैं कि आप पांडव पुत्रों के साथ भेद मत करो, पाप मत करो, क्योंकि जीव अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। जीव अकेला जन्म लेता और अकेला मरता है, इसलिए कुटुंबों के लिए पाप नहीं करना चाहिए, अपने कुटुंबियों के लिए पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोभी लोग होते हैं, दुष्ट होते हैं, उन्हें कहां पता चलता। मथुरा पर जरासंध का आक्रमण हुआ है और कई एक बार जरासंध को गोविंद भगा दिए हैं। अंतिम बार में गोविंद स्वयं रण छोड़ हुए हैं, क्योंकि जरासंध मगध क्षेत्र के ब्राह्मणों को कैद में डाला है और इस वचन के साथ कि अगर जीत के आया तो सम्मान करूंगा और नहीं जीत के आया तो आपका कल्याण कर दूंगा। गोविंद लीला स्वरूप ब्राह्मणों के लिए आज रणछोड़ हुए, सभा बुलाए, सभी को द्वारिका स्थापित कर दिए हैं और स्वयं वहां पे उस समय का एक काल यवन नामक एक योद्धा रहता है, उसको वरदान रहता है कि उसके समकालिक योद्धा
उसको हरा नहीं सकते, इसलिए वो कृष्ण भी उसे नहीं परास्त कर सकते थे। तो उसके लिए गोविंद लीला करते हुए एक गुफा में चले गए। गुफा में एक पात्र है, सतयुग का है, कृष्ण द्वापर में थे और सतयुग का एक पात्र है, मानभाता का पुत्र है जिसका नाम है मुचकंद। तो सतयुग के समय में मुचकंद देवासुर संग्राम के लिए देवताओं से लड़ने के लिए गए थे और वहां पे काफी समय लग गया। युद्ध समाप्त हुई तो इंद्र बोले कि देखो हम मुक्ति नहीं दे सकते हैं और बाकी मांगो तो हम दे सकते हैं, मुक्ति मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारे कोई परिवार बचे नहीं क्योंकि युग कई एक बार परिवर्तन हो चुका। तो मुचकंद बोले कि मुझे जो है सिर्फ नींद आ रही है, हमको सोना है। तो बोले ठीक है जाओ सो जाओ और जो तुम्हें बलात् बल से अगर तुम्हें जो जगाएगा वो तुम्हारे देखते ही जल करके भस्म हो जाएगा और साथ ही साथ प्राप्त ब्रह्म की आपको दर्शन होगा। गोविंद उसी गुफा में प्रवेश किए और मुचकंद पे अपना शॉल ओढ़ा लिया जो उनका पटका था, ओढ़ा दिए, एक कोने में छिप गए। ताले बनाया, पग प्रहार किया और पग प्रहार करने के बाद वो नेत्र खोले, वो जल करके याद आया कि इंद्र बोले थे, कि ब्रह्म का वहां पे दर्शन होगा तो जरूर कहीं यहाँ पे होंगे ब्रह्म और उन्हें श्री कृष्ण की नजर पड़ता है और उनकी उसने स्तुति किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सांवरे घनश्याम तुमको प्रेम के अवतार हो, सांवरे घनश्याम तुमको प्रेम के अवतार हो।
भीम के अवतार हूँ, फंसी रहा हूँ संकटों में, तुम ही के बनहार हो। भोले वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, मैं प्रसंग शुरू करने से पहले सभी से एक आग्रह करेंगे, जो जहां पर है वहीं पे रहिए, थोड़ी सी आपके दाएं बाएं आगे पीछे होने से अव्यवस्था की स्थिति हो जाती है, और तो क्या बोले, जगह छोटा है और आदमी मोटा है। जगह छोटा आदमी मोटा है, तो इसलिए जो जहां है वही रहिए। हाँ, उनको जाने दीजिए। नरसिंह मेहता के रूप में मुझकर प्रकट हुए हैं और भक्ति करते हुए वो भगवान के धाम को पधार रहे हैं। इधर जरासंध देख लिया गोविंद को, तो एक पर्वत पे चले गए और चारों तरफ से घेर करके पर्वत में वो आग लगा दिया, और गोविंद अपने भाई के साथ वहां से छलांग मार करके द्वारिका पहुंच गए। इधर आकर जरासंध को लगा कि भगवान तो मर गया, और वो भी राजगृह लौट करके चला गया, राजगृह लौट करके चला गया। इधर सूर्यवंश में एक राजा हुआ करते थे आनंद, उनके पुत्र थे रैवत, और रैवत की पुत्री से बलराम जी का विवाह हुआ है। और इधर पे विदर्भ देश के राजा हैं भीष्म, उनके पांच पुत्र हैं रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्माल, रुक्मकेशी और रुक्माल। कोई पुत्री नहीं है, तो उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से एक कन्या निकली है जिसका नाम है रुक्मिणी। उनका विवाह की बात हुई तो राजा भीष्म का जो बड़ा पुत्र रुक्मी है, वो शिशुपाल को बाक दान दे दिया है कि मेरी बहन जो है माला डालेगी तो तुम्हें को डालेगी, मेरी बहन माला डालेगी तो तुम्हें को डालेगी, और होना है स्वयंवर। और स्वयंवर में कहा जाता है कि कन्या स्वयं अपने वर का चयन करती है। अब इस पे दबाव है भाई का कि तुमको माला शिशुपाल के गले में डालना है, तो भाभी को बताती है कि हम मन ही मन गोविंद को चाहते हैं और वहीं से विवाह करना चाहते हैं, तो हम आत्महत्या कर लेंगे। और हुआ क्या कि गोविंद को निमंत्रण हुई नहीं, ये लोग भेजे नहीं, तो भाभी बोली कि तुम एक पत्र लिख करके गोविंद के पास भेज दो, एक पत्र लिख करके गोविंद के पास भेज दो। और वो पत्र लिखी सात श्लोकों में, और पत्र लेकर के एक ब्राह्मण जो है गया है द्वारिका गोविंद के हाथों में पत्र दिया है, गोविंद पढ़े हैं पत्र को। श्रोत्वा गुणानां सुंदर श्रीवते निर्वैष्णम करण विवर्तो अंगताम रूपम देश्याम दशग्रीष्मताम किलाचलाम त्वम् अच्युतादिशदीपितं प्रपत्रम् अंतःपुरां चरिमणि हत्यबन्धु स्तवा मध्ये कथमिति प्रदानुपायम् प्रवेदोरास्ति महती कुल
देवीयात्रम अस्यां बहिर्वधु गिरिराज ते आत्म। कहें कि महाराज नारद जी से आपकी कथा सुनी है और कथा सुन करके मैंने अपना पति आपको मान लिया, अगर आप नहीं आओगे तो मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा। मेरे भाई ने मेरा विवाह जबरन शिशुपाल से करने के लिए बोला है और ये उचित नहीं होगा कि शेर का भाग सियार लेकर के जाए। अब महाराज आप सोचते होंगे, आप सोचते होंगे कि आप शादी करने के लिए भी युद्ध करना होगा क्योंकि मैं अंतरपुर में रहती हूं, तो उतना सोचने की जरूरत नहीं है आपको। मेरे यहां का रिवाज है कि शुभ कार्य प्रारंभ होने से पूर्व कन्या पार्वती पूजन को जाती है, आप उसी मंदिर पे रहना, मैं आपको वरण कर लूंगी, मैं आपको वरण कर लूंगी। गोविंद पत्र देखे और पंडित जी के साथ चल गया बलराम में, कहां जा रहे हैं? अब जाने वक्त कोई टोक दे तो क्या होगा? पंडित जी चुपके से बोले कुंडेलपुर जा रहे हैं विदर्भ देश में। अरे हाँ ठीक है जाओ। और पीछे से चलते पंडित जी आए और आकर के संदेश दिया रुक्मिणी को कि गोविंद आपकी अर्जी को मान लिया है, प्रसन्न हो जाते हैं, ये भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वर को क्या वर जो जन में मर जाए, ऐसे वर को क्या वर जो जन में मर जाए, मरिया नंदलाल को जो अमर हो जाए। आओ प्यारी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। बैठिए बैठिए बैठिए, आओ प्यारी सखियों मुझे मेहंदी लगा Yeah.
तो किसी ने कहा कि ये बताओ कि रुक्मिणी है कहां। दूसरे ने बोला रुक्मिणी है कहां, जाके मंदिर में देखे तो न रुक्मिणी है और वो प्यारा प्यारा है। अब सब कहने लगा कहां गई। तो एक बोलता है रुको, वो जो हंसने वाला आया था ना वो ही लेकर भी गया। देखने तो बोले तुम बताया क्यों नहीं, बोले इसलिए कि जोड़ी अच्छा लग रहा था, बोले कि जल्दी चल गया। जल्दी चला गया। और जब ये बात पता चली, प्रकट हुई, रुक में पीछा किया है भगवान से, उसका युद्ध हुआ, युद्ध में हारा है, और गोविंद रुक्मिणी को लेकर के पहुंचे हैं द्वारिका, और वहां पे मार्ग शीर्ष अजन मास की पक्षी तिथि को उनका विवाह संपन्न हुआ। कस्तूरी तिलकम लट पटले वक्षस्थले पास्तुभम नासागरे वरमौक्तिकम करतले वेणु करदंभम सर्वांगणे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्ताम्बरी गोपी स्त्री प्रवेशितो विजयते कृवात मंगलम विजयते कृवात मंगलम। अभी एक भजन की बात आरती भजन आपको गाना है। कल इस कथा का विश्राम दिवस है और मैं आप लोगों को आग्रह करेगा कल बहुत सारा कार्य आज मेरी
मेरा मन मोहे
सुमन सुगंधित सुमन लया सुमन सुधा के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार। बोलियो मपति महादेव की जय। पार्वती की जय। कृष्ण भगवान की जय। सावरी सरकार की जय। नमः पार्वती पते हर हर महामहि। धर्म की संत सनातन धर्म की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महामहि।